एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उस गांव में उस आदमी के साथ एक छोटा हाथी का बच्चा रहता था। वो उस हाथी के बच्चे से काफी काम करवाता था। उसकी रूटीन ये थी कि वो सुबह हाथी के बच्चे को लेकर जाता, पूरा दिन एफर्ट्स करता, मजदूरी करता, मेहनत करता, और जो पूरे शाम में ना लेकर आता हाथी के बच्चे को। और उसके घर के बराबर में ना एक मजबूत दरख्त था। उसके बाद क्या हुआ, उसने उस दरख्त पर जब वो काम करके अपनी एफर्ट्स वगैरह मेहनत करके जब वो शाम में आता ना हाथी के बच्चे को लेकर, तो वो उस दरख्त से जंजीर बंधी हुई थी, उस जंजीर से उस हाथी के बच्चे को उसने बांध दिया था। अब होता क्या था, जब हाथी का बच्चा जंजीर से बंधा होता था ना, तब उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती थी क्योंकि हाथी का बच्चा था। तब वो ये सोचता था और वो मेहनत करता था, कोशिश करता था, एफर्ट्स करता था कि यार मैं इस जंजीर से जो है ना अपना पैर छुड़वा लूं। पूरी एफर्ट्स लगाता था, पूरी मेहनत करता था कि वो जंजीर से अपने पैर छुड़वा ले और अपने आप को आजाद कर दे। लेकिन वो जंजीर से पैर छुड़वा नहीं पाता था क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसने मेहनत करना, कोशिश करना कम कर दिया, क्योंकि जब वो बच्चा था ना, जब वो जंजीर से अपने पैर नहीं छुड़वा पाता था, तो उसे ये लगने लगा, आहिस्ता आहिस्ता ये लगने लगा कि वो कभी भी जंजीर से अलग नहीं हो सकता, वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ आहिस्ता आहिस्ता महीने गुजरने लगे, साल गुजरने लगे, और कुछ साल बाद, जी हाँ कुछ साल बाद, हाथी का जो बच्चा था ना वो बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया। अब उसे जब वो जंजीर से बांधा जाता था ना, तो उसके मालिक ने एक चीज नोट की कि जब वो छोटा था ना, उस वक्त वो एफर्ट्स कर रहा था जंजीर से छुड़वाने के लिए, अपनी एफर्ट्स कर रहा था जंजीर से उसकी उसको आजादी मिल जाए। लेकिन जब वो बड़ा हुआ ना, तो उसने एफर्ट्स ही करना छोड़ दिए। अब मालिक क्या करता था, मालिक उसको दरख्त के करीब लेकर जाता था, लेकिन वो जंजीर से बांधता नहीं था उसको। लेकिन जो वो बिलीव सिस्टम था ना हाथी का, जब वो बड़ा हो गया था, तो उसे ये लगता था कि यार वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता, वो उसकी वो मेहनत ही नहीं करता। जब वो फॉर एग्जाम्पल जंजीर से अगर उसको बांधते भी था ना, लेकिन वो मेहनत नहीं करता था जंजीर से छुड़वाने के लिए अपने आप को, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता, कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। और इसी तरह आखिरकार उसकी मौत का दिन आ गया, और जब वो उस दुनिया से जाने लगा ना, जब उसकी मौत हुई, तो उसकी गुलामी किसी और के सर थी। जी हाँ, वो अपनी जो उसने जिंदगी गुजारी ना, वो किसी दूसरे की गुलामी में गुजारी, क्योंकि उसने ये मान लिया कि वो कभी भी जिंदगी में आजाद नहीं हो सकता। इस कहानी से मैं आपको सिर्फ एक सबक देना चाहता हूँ, हम जब छोटे होते हैं ना, हमें ये लगता है कि यार जिंदगी में ना, हमें ये सिखाया भी जाता है, हमें ये बोला जाता है कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार आदमी हो, तुम अच्छी चीजें कभी नहीं कर सकते, तुम अच्छी अच्छी चीजें ना कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते, तुम दुनिया को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हो। हमें ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठ जाती हैं। और जब हम बड़े होते हैं ना, तब हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी एनर्जी होती है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम जो हमारा जो बचपन में जो बिलीफ सिस्टम बनाया गया था ना, वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो हमें बेहतर इंसान बनने से रोकता है, वो हमें वो कुछ करने से रोकता है जिसकी वजह से हमें कामयाबी जुड़ी है हमारी, और जिसकी वजह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे बिलीफ सिस्टम, कुछ बिलीफ सिस्टम जो हमें जब हम छोटे थे ना, कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे थे हमारे मुतालिक जो गलत थे, जो हमें जब हम बड़े हुए ना, तब हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस बिलीफ सिस्टम से कैसे हटें, कैसे अपने आप को बेहतर करें। क्योंकि मेरे दोस्त हम और आप भी, कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे थे, हमारे आसपास के लोगों ने कुछ चीजें हमें ऐसी बताई थी जो गलत थी, जी हाँ जो गलत थी, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मेरे दोस्त, उसको हम अगर हम चेंज नहीं करेंगे ना, उसको हम अगर बेहतर नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे जो कुछ बिलीफ सिस्टम ही है ना, हमें रोकते हैं। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है, अगर हम उसको सोचें और उसको बेहतर करने पर आए ना, तो हम आगे कर सकते हैं। जी हाँ, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और जिंदगी में ना, सबसे आगे बढ़ने का एक उसूल ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप से मोहब्बत करनी है। हमें बचपन में एक ये चीज भी सिखाई जाती है कि जो इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है ना, वो खुद गर्ज है। ये बात झूठ है, जी हाँ ये बात झूठ है। मेरे मुताबिक और मैंने जितने लोगों को पढ़ा है ना, जितने लोगों से सीखा है, उनका ये कहना है कि जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता ना, वो कभी भी दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकता।
क्योंकि यार जब तक आप अपने अंदर अपने आप को नहीं जानोगे ना, दुनिया भी आपको नहीं जानेगी। जी हाँ, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे यार, आप दूसरों से कैसे मोहब्बत कर सकते हो? हर चीज आपके अंदर है, हर चीज दुनिया में ना, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप अपने आप में यकीन रखते हो, हर चीज कर सकते हो। यही चीज आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे याद है यार, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले मुझे किसी ने बताया था कि मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करता था। कुछ सालों पहले मुझे बताया था किसी ने, मुझे यकीन दिलाया था कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूं। जी हाँ, जिंदगी में ना आप हर चीज कर सकते हो अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हो। इसलिए दोस्त, भरोसा रखो, हर चीज वो तुम कर सकते हो जो करना चाहते हो। बस अपने आप पर यकीन कर लो, बस अपने आप पर यकीन कर लो। जी हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि मैं जो भी चीजें मुझे आती है ना, जो चीजें मैंने सीखी अपनी जिंदगी में और जो जिस चीज ने मुझे फायदा दिया, मैं आपको वो चीज दे पाऊं। क्योंकि मेरा सिर्फ एक मकसद है जिंदगी में ना, दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं। जी हाँ, टांग खींचने वाले लोग बहुत हैं, इनक्रेजर बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, जो दूसरों को आगे लेकर जाते हैं, वो बहुत कम है। कोशिश करो दूसरों की मदद कर पाओ, दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ पाओ। जब कोई इंसान आपको ये कहे ना यार, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं, तो याद रखना दोस्त, आपका इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। जी हाँ, हर इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद है, और वो मकसद है कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरों को देना। कुछ ना कुछ करा करो यार, कुछ ना कुछ दूसरों के लिए बेहतर किया करो। आप आगे आने वाली जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कर जाओगे, यकीनन कर जाओगे। इसलिए अपने आप पर भरोसा करो, बस अपने आप पर यकीन करो, अपने आप पर भरोसा करो। कभी भी ना जिंदगी में हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारनी दोस्त, हिम्मत नहीं हारनी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।